सब्सक्राइब कीजिए टेक टच चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टच चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 10 एरर के बारे में। तो दोस्तों, एरर यह है विंडोज नॉट कॉन्फिगर वन और मोर सिस्टम कंपोनेंट्स। इस एरर को कैसे फिक्स करते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, आज के वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है दिस पीसी, उसके बाद आपको ऊपर वी पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ऊपर वी पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको हेड एंड एटन पे सेलेक्ट करना है यानी चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सी ड्राइव ओपन करना है। सी ड्राइव ओपन करने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम डाटा, यहाँ पे देखिए इसको ओपन करना है। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन करने के बाद आपको ओपन करना है क्रिप्टो। उसके बाद आपको ओपन करना है RSA। RSA ओपन करने के बाद आपको मशीन किसी का फोल्डर मिलेगा, आप उसको ओपन करना है। यहाँ पे जितने भी फाइल होंगे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐसे इसको डिलीट कर देना है और डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो अब इस तरह से विंडोज 10 में विंडोज नॉट कॉन्फिगर वन और मोर सिस्टम कंपोनेंट्स एरर को फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें टेक टच चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।